सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आहा, क्या बात है। हम लोग हिंदी में कितने सारे करते चले जा रहे हैं और कितना हम ज्ञानी बन गए हैं, है ना। कितना ज्ञान हम लोग को हो गया है। इतने सारे व्यंजन करते करते पूरी वर्णमाला हम लोग अब संपूर्ण करने जा रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं। आज जो मैं व्यंजन लेने जा रही हूँ ना, इन व्यंजनों को अभी हम लोग के काम में नहीं आएगा, लेकिन हमें जानना चाहिए हमको, क्योंकि ये हमारे वर्णमाला में आता है। जब हम और बड़ी कक्षाओं में जाएंगे ना, तब हमें ये जो व्यंजन है वो इस्तेमाल करें, इसका सही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी तो बस हमें बस जानना है, इसका ज्ञान रखना है। ठीक है, आपने ध्यान से सुना मैंने क्या बोला है? ज्ञान है ना। तो चलिए, ये जो शब्द है ना, ये दो दो अक्षर अक्षर मिलके बनता है। सीखते हैं। पहले हम लोग एक सीधी रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब हम ज्ञान तो जान गए हैं, लेकिन अब हम ज्ञ लिखना भी सीखेंगे, है ना। तो ये इस अक्षर से ज्ञान तो मैंने बता दिया था, अब इसको हम लिखें। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। पहले हमने सीधी रेखा बनाई, ठीक है, और फिर नन्ही सी लेटी हुई रेखा बनाई, और हमने उल्टा सी बनाया और छोटा सा लड्डू बना के उसकी पूंछ निकाल दी। ठीक है, और उसको मैं छत दिया। ग्य ग्य, फिर एक बार देखेंगे। सीधी रेखा, नन्ही सी रेखा, उल्टा सी बनाया, लड्डू और उसका पूंछ निकाल दिया, और हमने छत दे दिया। आप इस तरीके से मत बनाइएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, और अगर आप ऐसे भी बनाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें सही तरीके से बनाना चाहिए। कैसे, देखिए, सीधी रेखा, नन्ही सी रेखा, उल्टा सी बनाया और छोटा सा लड्डू फिर उसकी पूंछ निकाल दी और छत दे दिया। ठीक है, अब दूसरा जो व्यंजन है, हम लोग कितना काम करते हैं, है ना। और एक कहानी सुनी थी ना श्रवण की, मम्मी पापा को बोलिएगा आपको श्रवण वाली कहानी सुनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। वो जो श्रवण था लड़का, उसने अपने मम्मी पापा को कितना मदद किया था, कितना ख्याल रखता था वो। और हम श्रमिक बन जाते हैं ना, काम कर करके कर करके। तो मैंने कौन सा अक्षर यूज किया, ये भी दो अक्षरों से मिलके हुआ है, और इसको भी हम बस जानेंगे। श्र श्र, अब देखिए कैसे हमें लिखना है। सीधी रेखा, और वो त्र किया था ना, त्र वैसे लिखेंगे, हमने त्र की तरह बनाया। ठीक है, और यहां हमने ऊपर ले जाके एक उसको छोटा सा लड्डू बना करके और स्लांटिंग लाइन दे दी, त्र बन गया। फिर एक बार देखें, और छत, सीधी रेखा, स्लांटिंग लाइन, और उस स्लांटिंग लाइन को ऊपर लेके गए और एक छोटा सा नन्ना सा लड्डू बनाया और उसकी पूंछ निकाल दी। ठीक है, और फिर यहां से ये जो बीच वाली लाइन में यहां से है, यहां से मैं फिर से स्लांटिंग लाइन बना दिया और छत दे दिया। सीधी रेखा के बीच से हमने एक ऊपर स्लांटिंग लाइन बनाई और स्लांटिंग लाइन को ऊपर ले जाके एक लड्डू बनाया और नीचे उसकी पूंछ निकाल दी, और यहां से टच करके छू करके हमने फिर से एक स्लांटिंग लाइन बनाई और हमने छत दे दिया। ठीक है, प्लीज ऐसे मत बनाइएगा, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे कैसे ने कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर से सही सही से बनाएंगे। और आप लोग को कितना ज्ञान हो गया है, खूब श्रमिक की तरह हमने काम किया, पढ़ना लिखना किया और ज्ञानी बन गए, है ना। तो श्रमिक और ज्ञानी हो गए हम लोग, है ना। मेहनत करते हैं ना, कितना मेहनत करते हैं, और इसीलिए हम लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, ज्ञानी हो गए। तो
और हम लोग अब तो बहुत थोड़े से व्यंजन मेरे पास बच गए हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। कितनी खुशी की बात है ना, हम कितने सारे जान गए हैं, है ना। अब हम फिर से मुलाकात करेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारी जानकारी इकट्ठा करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। शुक्रिया, और अपना अच्छे से खूब मस्त होकर के काम करिए। अलविदा, बाय, सी यू, लव यू ऑल।